हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं रियल प्लेट टेक्नोलॉजी चैनल। आज आपके लिए लेके आ गए हूं अपडेटेड टेक न्यूज से। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो है Xiaomi से। Xiaomi ने टेस्ट किया है सबसे फास्ट चार्जिंग फोन, जो सबसे अधिक चार्ज हो रहा है उसमें 120 वाट का चार्जर दिया गया है और वो Xiaomi Mi 11 T Pro है। वो 25 मिनट में 100% फोन को चार्ज कर दे रहा है। उससे पहले ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो का आया था, वो 29 मिनट्स का था। सबसे फास्ट यही चार्ज कर रहा है फोन। जो दूसरी खबर निकल कर रही है वो है नोकिया की तरफ से। नोकिया का G50 5G फोन का लीकेज आया है, रेंडर्स आया है कि उसमें वो लॉन्च होने वाला जल्द ही, और उसमें 48 से 50 एमएच का बैटरी होने वाला है। तीसरी खबर निकल कर रही है वो IQ वो 5G से है, उसमें 5000 एमएच का बैटरी और उसका जो प्राइस होने वाला इंडिया में 30,000 रुपया होने वाला है, और वो 23 सितंबर को लॉन्च होने वाला चाइना में, और उसमें 5000 एमएच का बैटरी होने वाला है और इंडिया में जल्दी आने वाला है एंड ऑफ सितंबर। तो चौथी न्यूज निकल कर रही है वो कलर ओएस से है, 12 कलर ओएस 12 से, उसमें एंड्रॉइड 12 के साथ वो लॉन्च होने वाला है। पहले सबसे पहले आने वाला है वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 9 में। ये जो इसमें OTA अपडेट आने वाला है वो 4.61 GB का होने वाला है, और ये अक्टूबर के शुरुआती दिनों में आ जाएगा। फाइंड एक्स 3 और फाइंड एक्स 3 प्रो में साथ साथ में आएगा। जो अगली खबर निकल कर रही है वो सैमसंग की तरफ से है, सैमसंग गैलेक्सी S22 से, जिसमें 3700 एमएच का बैटरी होने वाला है और 25 वाट का चार्जर होने वाला है, और इसका जो डिस्प्ले होने वाला है वो 6.06 इंच डिस्प्ले होने वाला है। जो अगली खबर निकल कर रही है वो है वाई से। वाई का वॉच 3 का अपडेट आया है वॉच में, और इसमें न्यू फीचर कुछ अपडेट हुआ है, जिसमें कि पहले SMS का रिप्लाई नहीं होता था, उसको अब रिप्लाई कर सकते हैं SMS का, और इसमें नया सपोर्ट आया है कि आप पहले म्यूजिक में इसकी आप लोकल स्टोरेज जाकर म्यूजिक को नहीं सिलेक्ट कर पाते थे, अब उसमें वाइडर रेंज आने वाला आ गया है, वाइडर दिखने लगा है और लोकल स्टोरेज से आप म्यूजिक सुन सकते जाकर। एक और नया आया है अपडेट इसमें कि जो उसमें जो फेस है, वॉच का जो फेस होता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू देखकर ट्रायल करके 5 मिनट में तब उसको बाय कर सकते हैं। जो उसका फर्मवेयर वर्जन है वो है हारमोनी ओएस 2.0.0.188, और उसका जो साइज दिया गया है वो 239 MB का है, बहुत बड़ा साइज है इसका अपडेट का। जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है Xiaomi 11 Lite 5G से, जिसका प्राइस इंडिया में प्राइस आया है, इंडिया के जो लीक आया है प्राइस के बारे में, इंडिया में जो प्राइस रखा गया है वह है 21,999 रुपए। ये हो सकता है उसका जो बेस वर्जन है 6 GB और 128 GB, इसी का प्राइस है ये, और इसमें जो और अलग अलग वेरिएंट होने वाले हैं वो है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, और 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज हो सकता है इसमें। जो अगली खबर निकल कर रही है वह Huawei Mate 50 से है, ये अक्टूबर में आ सकता है, अक्टूबर या अक्टूबर के बाद, और इसमें जो ग्लोबल लॉन्च का एक डेट आया है, डेट फिक्स किया है ऑस्ट्रिया में वियना में, तो 21 अक्टूबर को होने वाला है लॉन्च, ग्लोबल लॉन्च, और इसमें स्नैपड्रैगन 888 होने वाला है। जो अगली खबर निकल कर रही है वो डीजो बड्स ZTWS ईयरफोन से है, ये 23 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, और इसमें IPX4 वाटर रेजिस्टेंस होने वाला है, और जो इसमें बड्स का जो पर बड्स का जो बैटरी है वो 43 mAh का है, और पूरा केस का बैटरी वो 380 mAh का है, और जो बड्स है पर बड्स 4.5 घंटा इसका बैटरी बैकअप है, और पूरा केस का बैकअप 4.5 घंटा प्लस 11.5 घंटा, और ये बड्स इंडिया में फ्लिपकार्ट पर बिकेगा लॉन्च के बाद। जो अगली खबर निकल गई है वो आईपैड मिनी से है, इसका गीगबेंच स्कोर आया है, रिवील हुआ है, तो जो इसका गीगबेंच स्कोर है वो आईपैड मिनी का है 4,558, ये मल्टी कोर है, मल्टी कोर का इसका स्कोर है, और आईफोन 30 प्रो मैक्स का मल्टी कोर का जो है स्कोर वो है 4,880,
थोड़ा सा ही कम है उससे, और जो उसका सिंगल कोर का जो है, सिंगल कोर का गीगबेंच स्कोर, तो वो है 1596, iPhone 30 Pro Max का 1734, और जो इसका GPU का है स्कोर, वो है गीगबेंच स्कोर, GPU का गीगबेंच स्कोर वो है 13,759, और iPhone 30 Pro Max का 14,258 है। और जो अगली खबर निकल गई है वो है एप्पल का कल ही आया था अंतुतु स्कोर आया था, और उसका स्कोर था 8,39,675, और उसमें उसका CPU स्कोर था 2,14,698, और GPU स्कोर था 3,24,552, जो कि iPhone 12 Pro से लगभग 1,34,000 ज्यादा है। तो आज का टेक न्यूज समाप्त होता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।